अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज की डेट मेंशन कीजिए, ऊपर चैप्टर 10 मेंशन करना है, चैप्टर 10 का नाम मेंशन करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखने हैं और ब्लू पेन से आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन मैंने बताया था ना, किसे कहते हैं? व्यवसाय को, कारोबार को कहते हैं। तो आंसर है, एनी वर्क विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। वो कोई भी काम जिसकी मदद से हम पैसे कमाते हैं उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है, कारोबार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वर्क डन बाय दीज पीपल। आपको नीचे यहाँ नाम मेंशन किए गए हैं, आपको इनके वर्क बताने कि ये क्या काम करते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? क्योर सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक करते हैं, है ना। सेकेंड है कॉबलर। कॉबलर किसे कहते हैं? मोची को। सेकेंड है कॉबलर। कॉबलर किसे कहते हैं? मोची को। और क्या काम करते हैं वो? मेंड एंड पॉलिश शूज़, हमारे जो जूते होते हैं, जो शूज़ होते हैं उनको, उनकी मरम्मत करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। थर्ड है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं? मेक्स द प्लान फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के, हाउसेस के, फ्लाईओवर्स के प्लान तैयार करते हैं, है ना। प्लान मैंने आपको बताया था ना कि ड्राइंग करते हैं कि कितनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी या कितना बड़ा घर हो है, उसके अंदर कितने रूम्स होने चाहिए और कहाँ पर किचन आएगा, ये सब कुछ कौन प्लान करता है? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, टीचर। तो टीचर क्या करती है? टीचिंग करती है। आप सभी बच्चों को पता है कि आपको आपकी टीचर क्या करती हैं? पढ़ाती हैं ना, सिखाती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, गार्डनर। गार्डनर क्या करते हैं? वो गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डनर गार्डनिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो पार्क होते हैं या जो गार्डन्स होते हैं उनकी रखवाली करते हैं ना, देखभाल करते हैं। तो यहाँ ऊपर टीचिंग में लिख लीजिए टीचिज अस, टीच या टीचिज इन अ स्कूल, टीचिज इन अ स्कूल। और गार्डनिंग कैसे करते हैं? लुक्स गार्डन। और पेंटर क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, है ना, घरों में पेंट करते हैं, घरों में या कहीं पर भी, बस वो उनका काम क्या होता है? पेंटिंग का होता है, वो पेंट करते हैं, कलर्स करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टूल्स यूज्ड बाय दीज पीपल फॉर डूइंग देयर वर्क। आपको टूल्स बताने हैं कि ये जो काम करते हैं ये लोग, तो ये किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को करने के लिए। फर्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर के क्या क्या टूल्स होते हैं? कारपेंटर किसे कहते हैं? बढ़ई को, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो उनके टूल्स क्या क्या होते हैं? स्क्रू ड्रिल और स्क्रू ड्राइवर, ये उनके टूल्स होते हैं, इनकी हेल्प से वो अपना काम करते हैं। सेकंड है गार्डनर। गार्डनर के क्या क्या टूल्स होते हैं? शेड, ट्रॉवल एंड कटर। और थर्ड है मैकेनिक। मैकेनिक के टूल्स होते हैं स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स। फोर्थ है पेंटर। पेंटर के टूल्स होते हैं ब्रशेज एंड कलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, जेंडर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन, एक्सप्लेन गिविंग सम एग्जांपल्स। आपको ये बात एक एग्जांपल के तौर पर बतानी है कि जेंडर किसी पर्सन के ऑक्यूपेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका आंसर है, जेंडर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन बिकॉज मैन एंड वुमेन बोथ कैन डू जॉब इन एवरी सेक्टर। जेंडर का किसी भी पर्सन पे कोई प्रभाव, किसी पर्सन के ऑक्यूपेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों ही किसी भी, कोई भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो किसी लॉयर की हो, चाहे किसी डॉक्टर की हो, चाहे किसी टीचर की हो, सब तरीके की जॉब जो है वो मैन भी कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकती हैं। एग्जाम्पल है, ए वुमेन कैन बी अ डॉक्टर, इंजीनियर एंड बिकम अ पायलट टू। और जो वीमेन होती हैं वो डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं और पायलट भी बन सकती हैं। पायलट पता है ना आपको, जो प्लेन उड़ाते हैं। तो इसलिए जेंडर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता,
किसी भी पर्सन पे या किसी भी पर्सन के ऑक्यूपेशन पे। तो चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बुक वर्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।